हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आपको क्या ये फैक्ट पता है कि चाइना ने ऑलमोस्ट $250 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा था 2021 में, बट वेयर एज चाइना ने ऑलमोस्ट $380 बिलियन के सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करे थे इन 2021। तो ये सेमीकंडक्टर क्या है? तो सेमीकंडक्टर अगर आप देखेंगे तो दीज आर द चिप्स विच आर इनसाइड ऑल द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। चाहे अगर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो एंटी टैंक जैवलिन करके एक इक्विपमेंट है जिससे जो टैंक के अगेंस्ट यूज होता है, एक टैंक के अंदर यहाँ तक 200 सेमीकंडक्टर्स है। एंड सेमीकंडक्टर इज बिकमिंग वन ऑफ द सोर्सेज फॉर द मॉडर्न कोल्ड वॉर, क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो यूसेज है हर जगह है। जिस कैमरे पे ये वीडियो शूट हो रही है इसमें भी यूसेज है, यहाँ तक जो आप कार चला रहे हैं उसके अंदर भी यूसेज है, जिस फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर भी यूसेज है, अगर आप ये लैपटॉप में वीडियो देख रहे हैं तो उसके अंदर भी यूसेज है। सो वन थिंग दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबको ये पता रहना चाहिए कि इस प्रोडक्ट की क्या यूसेज है एंड कैसे वर्ल्ड का जो जियोपॉलिटिक्स है इस टाइम पे शेपअप कर रहा है। चाइना और ताइवान के बीच में क्या चल रहा है, यूएस ताइवान को क्यों बचाना चाहता है, जापान में क्या प्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर की, इंडिया में भी क्यों ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का आइडिया आ रहा है कि सेमीकंडक्टर का फैब सेटअप होना चाहिए, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स इतनी ज़्यादा सब्सिडी क्यों दे रही है सेमीकंडक्टर्स के लिए। So the name of the book that I am recommending today and which is a part of the free giveaway is a book by the name of Chip War. And this book 2022 में जो Financial Times है उसकी basically best book winner है, and this book will talk about कि कैसे modern geopolitics is being shaped up by the semiconductor or the chip wars. And towards the end of the video एक question आपसे पूछा जाएगा, if you answer that question successfully then basically you will win the book, and there are 3 books which are being basically given away for this one. So with this let's start the session. तो ये वीडियो एक फर्स्ट पार्ट है एक मल्टीपल सीरीज जहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सप्लाई चेन्स की, कि सप्लाई चेन्स शिफ्ट कैसे कर रही है, कैसे नियर शोरिंग हो रही है, रीशोरिंग हो रही है एंड फ्रेंडशोरिंग हो रही है। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी इस सीरीज के अंदर और वीडियोज आएंगी तो उसके अंदर हम ये भी बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स स्टॉक मार्केट्स पे कैसे इंपैक्ट करते हैं एंड क्यों ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर एंटरिंग अ पीरियड ऑफ स्ट्रक्चरली हाई इन्फ्लेशन, कि 1970s में जैसे स्ट्रक्चरली हाई इन्फ्लेशन थी, हो सकता है कि हम वैसा ही एक पीरियड एंटर कर रहे हैं। Apart from that, there also be a video जो पूरी बॉन्ड मार्केट्स की बात करेगी कि इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड मार्केट्स का कैसे एक दूसरे के साथ इंपैक्ट रहते हैं। So this is a multiple series video and first आज जो हम बात कर रहे हैं that is of supply chains। तो 2018 के अंदर US एंड चाइना की ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई थी, एंड ट्रेड वॉर कैसे स्टार्ट हुई थी कि US ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी चाइना के काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। One of the anti-dumping duty products, just to give you an example, was refrigerant gases. तो refrigerant gases आपकी AC के अंदर डलती है और आपके फ्रिज के अंदर डलती है, एंड इसके ऊपर ऑलमोस्ट 277% का anti-dumping duty लगाया गया। So just to give you an example over there. Similarly जो चाइना से टायर्स आते थे उनके ऊपर भी anti-dumping duty लगाई गई, एंड काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स पे anti-dumping duty US ने लगाई। यहाँ तक एक टाइम तक US ने टिकटॉक को भी वहाँ पे बोला था कि आप अपना बिजनेस बेसिकली सेल इट टू द लोकल कंपनीज, पर वैसा अभी तक हुआ नहीं है। बट दिस अगेन was from the Donald Trump administration. बट अब क्या हुआ है कि 2020 में कोविड आया, कोविड से सप्लाई चेन्स में एक और शॉक आया क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक लॉकडाउन हो गया। तो हम जस्ट इन टाइम मॉडल से, जहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जस्ट इन टाइम आपके पास सप्लाई आ जाएगी रॉ मटेरियल्स की, तो आपको इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी। वी वेंट टू अ बिजनेस मॉडल ऑफ जस्ट इन केस, जहाँ पे इन्वेंट्री स्टॉकिंग अप हुई और आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ रही है। इसकी वजह से कंट्रीज आर लुकिंग फॉर मल्टीपल सप्लायर्स। तो यहाँ पे China Plus 1 का ट्रेंड आया, एंड China Plus 1 का ट्रेंड हमें दिखता भी है। मैं आपके लिए ये जो लिंक है ब्लॉग का आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर रहा हूँ कि कैसे चाइना के जो एक्सपोर्ट ग्रोथ थी टू US दैट हैज स्लोड डाउन इन रिलेशन टू जो वियतनाम की एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है, जो मेक्सिको की एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है और जो इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है। तो 2021 में अमेरिका ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा ऑन द सप्लाई चेन्स, एंड इस सप्लाई चेन्स की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या था कि वी हैव टू डू क्लोज कॉर्पोरेशन ऑन रिजिलियंट सप्लाई चेन्स विद एलाइज पार्टनर्स हु शेयर आवर वैल्यूज, विल फॉस्टर कलेक्टिव इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथन द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू इंटरनेशनल डिजास्टर्स। तो यहाँ पे यूएस ने ये एक्ट पास करा। इन साथ साथ यूएस के अंदर अब वापस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बूम हो रहा है। कैसे बूम हो रहा है? तो अगर आप में कैपेक्स अनाउंसमेंट्स देखेंगे कि कितना कैपेक्स हो रहा है इस टाइम पे यूएस में, देन यू विल गेट एन आइडिया कि इस टाइम पे यूएस सेमीकंडक्टर्स में ऑलमोस्ट $183 बिलियन का यहाँ पे कैपेक्स का अनाउंसमेंट है। बैटरी फैक्ट्री $53 बिलियन, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट्स $26 बिलियन, बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी $4.75 बिलियन, स्टील एंड एल्यूमिनियम जो काफ़ी बारी मतलब चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट अब यूएस के अंदर भी $9.7 बिलियन की फैसिलिटी आ रही है, एंड अदर क्लीन एनर्जी $13 बिलियन। फॉक्सवैगन ग्रुप ने $7 बिलियन का कैपेक्स अनाउंस करा है। साथ साथ अगर आप एसके ग्रुप को देखेंगे तो $22 बिलियन का कैपेक्स अनाउंस करा है। इंटेल का यहाँ पे $20 बिलियन का सेमीकंडक्टर फैब आ रहा है यूएस के अंदर। तो सेमीकंडक्टर यूएस ताइवान, साउथ कोरिया, यहाँ से हर जगह से इंपोर्ट करता था, बट अब इंटेल यहाँ पे एक डोमेस्टिक यहाँ पे फैब लगा रहे हैं। सो दैट अगेन गिव्स यू एन आइडिया दैट हाउ मैन्युफैक्चरिंग इज ऑन द राइज इन यूएस। बट मैन्युफैक्चरिंग ऑन द राइज के साथ साथ अब एक क्या प्रॉब्लम है कि यूएस में है प्रॉब्लम ऑफ वेजेस, कि वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो वो कंपेटिटिवली इतना ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ द प्राइस जिस पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप रीशोरिंग इंडेक्स देखते हैं यहाँ पे, देन दिस विल गिव यू वेरी गुड आइडिया कि रीशोरिंग का मतलब क्या है कि आप वापस अपने लैंड पे या फिर आप अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग लेके जा रहे हैं। नियरशोरिंग का क्या मतलब है कि आसपास वाली कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, जैसे यूएस मेक्सिको में करा सकते हैं, कनाडा में करा सकते हैं। एंड फ्रेंडशोरिंग का क्या मतलब है कि कोई आपका एलाय है या कोई आपका फ्रेंड है, आप उसकी कंट्री के अंदर जाके मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं। अगर आप रीशोरिंग इंडेक्स देखते हैं यहाँ पे, तो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि रीशोरिंग इंडेक्स 2021 में भी अभी यूएस के लिए नेगेटिव चल रहा है। नेगेटिव क्यों चल रहा है? क्योंकि यूएस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज टू हाई। बट यूएस का जो भी अनाउंसमेंट्स है, चाहे वो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट हो जिसमें ऑलमोस्ट $300 बिलियन की सब्सिडी ग्रीन एनर्जी के लिए दी गई है, या फिर वो सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पे जो उन्होंने सब्सिडीज दी हैं, तो दीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विल स्टार्ट कमिंग लाइव बाय 2024 2025, क्योंकि अभी तो कैपेक्स हो रहा है। पर ये रीशोरिंग इंडेक्स भी, क्योंकि यूएस का इंपोर्ट वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, मेक्सिको से बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रीशोरिंग इंडेक्स अभी भी नेगेटिव दिख रहा है। द आइडिया इज कि हाउ इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको एंड दीज कंट्रीज आर बेसिकली गेनिंग आउट ऑफ दिस सप्लाई चेन मूवमेंट फ्रॉम चाइना। दिस इज व्हाट द वीडियो विल टॉक अबाउट, एंड हम स्पेसिफिकली इंडिया पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम जो मंथली वेजेस है उनका एक बार ग्राफ देखते हैं। तो इंडिया की अगर आप मंथली वेजेस देखते हैं तो देन यू विल बेसिकली गेट टू नो कि इंडिया के अंदर जो भी मंथली वेजेस है दैट इज $130। चाइना में $240 हो गया, क्योंकि चाइना में एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रही है। कैम्बोडिया में 182 है, थाईलैंड में 200 है और वियतनाम में 150 है। तो चाइना के अलावा इंडिया और वियतनाम लेबर कॉस्ट में बहुत कम्पिटिटिव है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? तो पहले हमने बात करी रीशोरिंग की, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इन योर ओन कंट्री, फिर हमने बात करी नियरशोरिंग की, फिर हमने बात करी फ्रेंडशोरिंग की। तो सेकंड अब जो हम इसमें उठाते हैं एग्जांपल ऑफ नियरशोरिंग। तो नियरशोरिंग का क्या मतलब है कि अगर आप यूएस का और मेक्सिको का डिस्टेंस देखेंगे तो इट इज वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड मेक्सिको से एक्सपोर्ट्स यूएस को काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ डेटा दिखाता हूँ आपको। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 months ऑफ 2022 मेक्सिको एक्सपोर्टेड $382 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू यूनाइटेड स्टेट्स, एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 20% ओवर द सेम पीरियड इन 2021 अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंसस डेटा। एंड जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो मेक्सिकन कंपनीज है इस टाइम पे वहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं मेक्सिको में। इट्स नॉट अबाउट डी ग्लोबलाइजेशन, इट्स द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट इज फोकस्ड ऑन रीजनल नेटवर्क्स। तो दिस गिव्स यू अनदर एग्जाम्पल कि नियर शोरिंग भी यहाँ पे इस टाइम पे पिकअप कर रही है। चाइना का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ था टू यूएस वो 4% के आसपास का था, वेराज अगर आप इंडिया का एक्सपोर्ट्स देखेंगे टू यूएस तो 2020 में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स टू यूएस थे दे वर क्लोज टू $49 बिलियन, यानी $50 बिलियन के आसपास। क्या क्या आइटम्स यहाँ पे? फार्मास्यूटिकल्स, लाइक फार्मास्यूटिकल के अलावा ज्वेलरी थी, फिर लाइक ऑर्नामेंट्स है। सो दीज वर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वर एक्सपोर्टेड। बट अब क्या हो रहा है कि 2022 में अगर आप ये टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो इट हैज़ गॉन टू $71 बिलियन। तो 2 years के अंदर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट बेसिस पे 40% के आसपास का ग्रोथ आया है। Now before going forward in the video, if you are a retail investor who struggles with valuation, if you are a retail investor who struggles with business analysis, क्या आपकी स्ट्रगल है कि आप खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है, खुद का एक गूगल एक्सेल शीट पे फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना है, देन साथ साथ अगर आप ये स्ट्रगल करते हैं कि आपको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस नहीं पता, डैट इज अकाउंटिंग, एंड आपको फॉरेंसिक शनैनिगन्स नहीं पता कि जो कंपनीज बेसिकली चोरी करती हैं इन्वेस्टर्स के साथ. So all these key things we teach you in one SOIC membership. And SOIC membership में there are 6 courses. पहला कोर्स है जो आपको business analysis बारे में सिखाएगा. It is available in both Hindi and English language. Second course क्या है जो आपको एकदम basics of financial literacy से सिखाएगा कि एकदम basics क्या है, कि अगर आप कहाँ पे आप डीमैट खोलते हैं, अगर म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी है तो कैसे करनी है. दैट इज द सेकंड कोर्स. थर्ड कोर्स इज इट विल टीच यू हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स, कि आप स्टॉक्स फिल्ट्रेशन पे कैसे काम कर सकते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं कौन जो आपको फ्रीली अवेलेबल है जिससे आप फिल्टर कर सकते हैं. फोर्थ की कोर्स इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स यूज कर सकते हैं आप. फिफ्थ की कोर्स इज सेक्टोरल एनालिसिस, जहां पे क्यूएसआर सेक्टर में जैसे हमने वेस्ट लाइफ कवर करा था, अभी फिर हमने क्यूएसआर सेक्टर में जैसे वरुण बेवरेजेस कवर करा था. Then some time back we also did a webinar on life insurance and general insurance, and that is also part of SOIC membership. And finally masterclass with super investors. जब आप ये video देख रहे होंगे तब हमारी एक और masterclass चल रही होगी with an investor based out of Delhi, जहाँ पे हम सीख रहे होंगे कि आप different styles of investing कैसे होती है. So all these 6 courses are part of one SOIC membership, and link to register for the SOIC membership is there in the description below. So coming back to the analysis. Recently नवंबर में जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी है, शी केम ऑन अ विजिट टू इंडिया, एंड वहां पर उन्होंने ये बात बोली कि इंडिया एंड यूएस शुड लुक एट अ फ्रेंडशोरिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि इंडिया यूएस का एक एलाय है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री. बट व्हाट इज हैपनिंग, जो अगर हम नंबर्स में देखते हैं या अगर हम इंडस्ट्रीज में देखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको फ्रेंडशोरिंग के एंड ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स धीरे धीरे करके दिख रहा है. तो यहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज की आपके साथ बॉटम्स अप बात करता हूँ. तो पहली किस इंडस्ट्री की बात करते हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्पल आईफोन्स. तो इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ एप्पल आईफोन्स फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर लास्ट ईयर nearly doubled that in an entire previous fiscal year, while top Indian conglomerate Tata Group is poised to buy a local plant from Taiwanese manufacturer that will give the nation its first homegrown iPhone factory. तो एक तो ये चीज हुई है कि iPhone के जो exports है almost double हो चुके हैं. फिर जो Dell Technologies है, it is talking about it is purely trying to stop using the Chinese made semiconductors. एंड साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि वो प्रोडक्शन वहां से 2025 तक एकदम टोटली मूव आउट करना चाहते हैं. Companies around the world consider India and Vietnam as an attractive alternative locations to diversify their supply chains from China this year, according to new global survey published by Container Exchange, जो वर्ल्ड के कंटेनर्स की स्टडी करते रहते हैं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. फिर जर्मन कंटेनर लॉजिस्टिक्स फर्म सर्वेड मोर देन 2600 इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स फ्रॉम ओवर 20 कंट्रीज एंड सप्लाई चेन फॉर सप्लाई चेन इंडस्ट्री ट्रेंड्स found that 67% of respondents believe India and Vietnam will rise as a functioning container shipping hubs this year. एंड इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ देखेंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारी MNC कंपनीज आ रही हैं, तो और बहुत सारी MNC कंपनीज इंडियन कंपनीज में स्टेक भी बाय कर रही हैं, उनको अक्वायर कर रही हैं. तो हमने ये चीज़ तो पहले भी एग्जाम्पल देखा था कि हमने चैनल पे बहुत बारी डिस्कस भी करा, आई थिंक 2 ईयर्स से कर रहे हैं लास्ट, कि ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज को किसने अक्वायर करा, RHI मैग्नेसिटा ने, एंड अपनी जो भी सब्सिडीज थी मर्ज कर दी, एंड RHI मैग्नेसिटा इज द वर्ल्ड मार्केट लीडर. बट दिस इज नॉट नेसेसरली अ पार्ट ऑफ चाइना प्लस वन, बट दिस गिव्स यू एन आइडिया कि इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब इज ऑल्सो राइजिंग. फिर रिसेंटली जो ZF है, तो ZF कमर्शियल ने वैपको को अक्वायर करा, एंड वैपको जो ट्रक्स की ब्रेक है इसमें मार्केट लीडर है, एंड ZF इज वर्ल्ड मार्केट लीडर इन अ लॉट ऑफ ट्रक पार्ट्स, एंड यहाँ इंडिया से दे वांट टू एक्सपोर्ट. एंड अगेन दिस इज अनदर ट्रेंड दैट इज हैपनिंग आउट ऑफ इंडिया कि MNCs आर कमिंग एंड बाइंग ओवर हियर. देन सुमितोमो केमिकल जो एक जापान की कंपनी है, एंड इट इज ऑलमोस्ट अ 200-year-old कंपनी. तो सुमितोमो का जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आउटसाइड जापान, वो इंडिया के अंदर आगे लगा व्हेन दे अक्वायर्ड एक्सेल क्रॉप केयर एंड मर्ज्ड इट विद सुमितोमो. एंड यहाँ पे सुमितोमो आज एक लिस्टेड कंपनी है और वो यहाँ से एक्सपोर्ट इस टाइम पे स्टार्ट कर रही है टू इट्स सब्सिडरीज अक्रॉस द वर्ल्ड. सो दिस अगेन गिव्स यू एन ट्रेंड कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर भी एक्सेलरेट हो रही है. एंड अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आता है, बेरिंग कंपनीज का. तो क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में एंड यूरोप के अंदर वॉर चल रही है, तो आप SKF, शाइफ्लर और टिमकिन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो SKF ने तो अपना प्लांट ही वहां से मूव करके इंडिया में ले आए. एंड सिमिलरली अगर आप टिमकिन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो टिमकिन इज सेटिंग अप अ न्यू कैपेसिटी ओवर हियर, क्योंकि इंडिया में एक तो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन हो रही है, एंड टिमकिन की जो सब्सिडीज अब्रॉड है वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं टिमकिन इस टाइम पे, एंड दैट बिजनेस इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे, तो इस टाइम पे इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन, यहाँ से सेंडिंग टू अब्रॉड, यहाँ से एक्सपोर्ट करना, तो ये धीरे धीरे सारे सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, केमिकल्स में भी हो रहा है, बट केमिकल्स में जो नियर टर्म हेडविंड्स है इस टाइम पे। बट अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो इंडिया में जो रेफ्रिजरेंट गैसेस है, तो रेफ्रिजरेंट गैसेस का आप यहाँ पे बहुत वंडरफुल एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे ट्रेड वॉल से इम्पैक्ट आया इंडियन बिजनेसेस पे। तो R125 और R32 एक रेफ्रिजरेंट गैस है जिसपे यूएस ने चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी। तो दोनों R125 और H32 या R32 के नाम से जानते हैं, दोनों का एक्सपोर्ट इंडिया से गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और SRF का काफी तेजी से बढ़ गए। तो दिस अगेन गिव्स यू एन आइडिया कि कैसे इस मूविंग सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब द इंडस्ट्रीज। तो जितनी भी ऐसी कंपनीज विच आर गेटिंग इंपैक्टेड एंड जहां पे ऐसे पॉजिटिव इंपैक्ट्स आ रहे हैं, हमने आपके लिए एक एक्सेल शीट में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल रखा है, आप उनको भी देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रेंड से ये कंपनीज जा रही है। अनदर एग्जाम्पल ओवर हियर, तो हर्षा इंजीनियरिंग इज द कंपनी विच प्रोवाइड्स बेरिंग केजेस, एंड क्योंकि बेरिंग्स का इंडिया से एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सो दिस कंपनी ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस एलिमेंट ऑफ चाइना प्लस वन, कि कैसे द बेरिंग प्रोडक्शन इज मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द Indian economy and the Indian domestic manufacturers. So again, this gives you an idea कि कैसे all over the world जब ये shifting supply chains का impact होता है, तो कैसे वो positively industry को impact करते हैं। Electronic manufacturing की बात करेंगे, so that also like all the listed new companies, अगर आप Sirma की बात करेंगे, Dixon की बात करेंगे, या फिर आप और भी contract manufacturers की बात करेंगे, so all these companies are talking about very fast pace of growth. तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि इन सारी companies का जो valuation है, ये चीज़ अलग है, narrative अलग चीज़ है। तो एट द एंड ऑफ द डे पैसा तभी बनता है जब आप वैल्यूएशन में जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक डिस्क्लेमर बहुत स्ट्रांग है कि हो सकता है काफ़ी सारी कंपनीज की इस टाइम पे जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा हो, पर आपको ये जो ट्रेंड्स हैं ये ट्रेंड स्पॉट करना आना चाहिए, बिकॉज इफ यू स्पॉट दीज ट्रेंड्स, और अगर हम बेयर मार्केट्स या साइडवे मार्केट्स में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल सकती है। जैसे फाइनली केमिकल सेक्टर में वापस अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी है जो पिछले 3-4 साल से नहीं आ रही थी। बट दिस इज द आइडिया ऑफ ऑलवेज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। एंड फाइनली कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द बुक गिव अवे, तो इस चैनल पे हमने ऐसी कौन सी फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG कंपनी है जो कवर करी है, एंड इस बिजनेस का क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ यू गिव अ वेरी गुड आंसर देन उस कमेंट सेक्शन में जाके हम लोग रिप्लाई करेंगे, एंड यू विल स्टैंड टू विन द बुक ऑफ चिप वॉर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।